प्रदेश के नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने आज इंदौर में नगर निगम के मास्टर कर्मियों के बीच आकर उनकी समस्याएं सुनी। निगम के मास्टर कर्मियों द्वारा आयोजित सम्मेलन में पहुंचे जयवर्धन सिंह के सामने मास्टर कर्मियों ने नियमितीकरण सहित अन्य कई मांगे रखी गयी, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने मास्टर कर्मियों को दिया। नगर निगम के मास्टर कर्मियों के कार्यक्रम में पहुंचे नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने मास्टर कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी और उनकी समस्याओं पर गौर करते हुए उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। जयवर्धन ने कहा कि मास्टर कर्मियों के लिए अलग नीति बनाकर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जयवर्धन ने मास्टर कर्मियों को भोपाल भी आमंत्रित किया है ताकि नियम अनुसार जल्द से जल्द उनकी समस्याओं और मांगों का निराकरण किया जा सके। जो विनियमित सहायक कर्मी है उनको अभी तक 700 वेतनमान नहीं मिला है। मैं कल ही भोपाल जाकर माननीय वित्त मंत्री जी से बात करके उनसे चर्चा करूंगा कि हम ये लाभ आपको कैसे दिलवा सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो आपने रखा है के मास्टर कर्मियों को नियमित करने का, इसीलिए हमने वर्तमान में नई नियुक्तियों में रोक लगाई थी ताकि वर्तमान में हर निगम में कुल कितने मास्टर कर्मी हैं, कब से काम कर रहे हैं और उस आधार पे हम इनको कैसे, आप सबको कैसे नियमित कर सकते हैं, उसकी भी हम पूरी पॉलिसी बनाएंगे ताकि आप सबको इसका लाभ मिले। तीसरा मुद्दा है कि इंदौर नगर निगम में मास्टर कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसको आगे कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है जीतू भाई और मैं, हम दोनों साथ में विशाल पटेल जी और संजय शुक्ला जी, हम सब मिलकर आपकी मांग भोपाल में रखकर इसका जल्द से जल्द प्रस्ताव बना के इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपने जो उल्लेख किया है कि इंदौर नगर निगम में जो शेष बचे दैनिक कर्मचारी हैं, वेतन भोगी हैं, उनको भी नियमित किया जाए, इसके लिए भी हम जल्द से जल्द आपके लिए प्रस्ताव रख के इसको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा है, सबसे पहले दादा हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो मास्टर कर्मी जो लगे हुए हैं पहले से, उसी आधार पे हम आगे इस फाइल को बढ़ाएंगे और सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर हम इसमें सबको नियमित करवाने का एक प्रस्ताव रखेंगे। इसमें जो वित्त बोझ पड़ेगा उसके बारे में जरूर हमें वित्त विभाग से बात करनी पड़ेगी, माननीय सीएम साहब से बात करनी पड़ेगी, लेकिन जिस संख्या में आज आप सब यहां पर मौजूद है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी बात अनदेखी नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हर कर्मचारी संगठन के कुछ सदस्य होते हैं, तो मुझे शायद जानकारी नहीं है, लेकिन जो मास्टर कर्मी के जो संगठन है, इनके जो मेन लोग हैं, प्रमुख जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको एक दिन मैं भोपाल आमंत्रित करता हूं ताकि जो हमारे अधिकारी हैं, हम आपको उनके साथ बिठाकर जो आपकी मांगे हैं और कितने समय से वो पूरी होगी, आज मैंने आपको आश्वासन दे दिया है और कुछ दिन बाद ही हम आपको भोपाल आमंत्रित करेंगे ताकि आपको समय सीमा बता पाए। जो लोग नियमितीकरण के लिए लंबित हैं उनके बारे में हम विचार कर ले और उनको तो छोड़ दें अभी अपन थोड़ा सा, वो चुकी मेहनत और आप सबका जो संघर्ष है वो अनदेखा नहीं जाएगा, ये मेरा आप सबको आश्वासन है। चिंटू भाई ने, नरूका जी ने और फौजिया जी ने भी मेरे साथ में कुछ मुद्दे रखे। जीतू भाई काफी समय से आपके बीच यहां पर मौजूद रहे थे और आपकी पूरी बात उनने भी सुनी और जो बात मेरे सामने आई है ये बात आपको शायद मालूम होगा कि कुछ समय पहले ही कमलनाथ जी की सरकार ने नगर निकायों में जो कर्मचारी हैं उनको समय मान वेतन मान का पूरा लाभ दिया था। अब क्योंकि इसमें अब तक जो हमारे मास्टर कर्मी हैं उनके लिए हमारी क्या योजना है, आगे क्या प्लानिंग है, मैं आप सब पर उल्लेख करना चाहता हूं। ये बात सही है कि वर्तमान में
नए मास्टर कर्मी भर्ती नहीं हो रहे हैं। अभी जहां भी मांग उठ रही है या आवश्यकता आती है तो वो आउटसोर्स के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इस पर हम तुरंत जांच करके इसको पुनः जो हमारे मास्टर कर्मी पहले जो नियुक्त है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले आप सबको लाभ मिलना चाहिए। जिस दिन मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली मुझे लगा कि अगर मैं इस विभाग का मंत्री हूं तो मुझे भी इस बात का एहसास है कि जो हजारों मास्टर कर्मचारी जो हर नगर निगम में काम करते हैं दिन रात, जो इस शहर को साफ रखने के लिए व्यवस्थित रखने के लिए हर दम मेहनत करते हैं, कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो आपकी आवाज है आपकी जो समस्या है उनको सुनने के लिए मैं आपके बीच हाजिर रहूं। जब गतिविधियों के लिए कोई बात चिन्हित होती है तो पहला प्राथमिकता स्पोर्ट्स को दिया जाना चाहिए, और मैं मानता हूं इस बात को कि इस पर हम सरकार को भी और नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि विचार अच्छा था जिस पर भी, पर इससे पहले मोदी जी का, उससे पहले शान का, अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम हुए हमारा, पर इसको उस दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। स्पोर्ट्स मस्ट, बस इस भाव को जीना चाहिए। उसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में क्लियरेंस मांगी है, हम उनको क्लियर कर देंगे। मेट्रो का आपने शिलान्यास कर दिया मंत्री जी, लेकिन अभी तो उसका बोर्ड गठित नहीं हो पाया है उसके लिए। लेकिन काम उसका चालू है, हमारी निरंतर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ मीटिंग हो रही है, कल भी एक बैठक है उसकी, और मेट्रो का जो मेन जो बोर्ड है जिसमें डायरेक्टर टेक्निकल और अन्य डायरेक्टर स्थापित किए जाएंगे वो बोर्ड गठित हो जाएगा, लेकिन काम चालू है उसका। जीतू भाई, मैंने कुछ एक तो आपत्तियां की है जिनका उन्हें उत्तर मांगा है, उत्तर देंगे। लगातार जो फंड मांगा जा रहा है, मंच भी आज ये बात कही गई है, तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है? पूरा नगर निगम का अधिकार है फंड मांगने का, और उसमें जो जो निगम की डिमांड है जहाँ जहाँ चाहे वो चुनकी क्षतिपूर्ति का हो, स्टैम्प शुल्क का हो, और जो अन्य मद है उनकी हम पूरी डिमांड पूरी करेंगे। कल ही मेरी बैठक एसीएस फाइनेंस और सीएस साहब के साथ है जिसमें हम इन सब मुद्दों को भी रखेंगे और जल्द से जल्द पूर्ति पूरी होगी। हाईकोर्ट का डिसीजन